नमस्कार, बीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। हालांकि तारीखों की घोषणा अभी नहीं है, लेकिन तमाम पार्टियां अब अपनी अपनी गतिविधियों में लग चुकी हैं। इसी को लेकर के जमुई में बसपा ने भी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर दी है। बसपा ने कहा है कि हम बिहार में विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेंगे, जिसके लिए बसपा ने कल जमुई स्थित अपने तमाम जगहों पर साइकिल यात्रा निकाली है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिख रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की जो भी जीत होगी बसपा में भी उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्या कुछ कहना है हम आपको सुनवाते हैं। उद्देश्य हमारे बहन जी का कहना है कि जो हम लोग परंपराएं करते आ रहे हैं, से अवर 2020 में जम्मू जिला से हम लोग रथ निकालते हुए चकाय झाझा जमुई सिकंदरा रथ यात्रा होगा, ताकि जागरूक हो हमारा कितना शक्ति है। अगला शक्ति परीक्षण करेगा, देखेगा, और हम लोग पूरा तम घम के साथ इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। और चकाय विधानसभा आज झाझा जमुई सिकंदरा चारों हम लोग जीत रहे हैं सीट, और बिहार में भी 243 पर हम लोग उतारे हैं। क्या इस तरह का कार्यक्रम चकाय विधानसभा में भी आप करेंगे? चकाय विधानसभा और जमुई झाझा सिकंदरा सर्वरथ घूरेगा हमारा, जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ हम लोग सब स्वागत करेंगे। इसमें अपने बलबूते पर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव को धारदार बनाने के लिए और हमारा जो प्रचार है उसको धार देने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए हम आज से जम्मू जिले के भोजा ग्राम से संकल्प साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा जो हम लोग को सहयोग कर रहे हैं वो एक सद्धम पुस्तकालय के संस्थापक माननीय विनय बोध जी हैं, उनका सहयोग सबसे ज़्यादा है। इसमें पार्टी के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और ये संकल्प यात्रा पूरे ज़िले में घूमेगी और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने के काम करेगी। उन्हें जो सरकार की विफलताएं हैं, जो सरकार के द्वारा बहुजन समाज के लोगों को परेशान किया जाता है, उसे अपने अधिकार से वंचित किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो साइकिल यात्रा में निकले हैं वो लोगों को बताने का काम करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों को संकल्पित करेंगे।